विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा सूरज ब्रह्मा को मार्गदर्शन कर रहा है कि वह किसी और के मन को खत्म नहीं, नष्ट नहीं कर सकता। उन 10 पुत्रों ने जिन ब्रह्मांडों की, जिन सृष्टि की रचना की है, उसे कुछ नहीं किया जा सकता। बल्कि वह ब्रह्मा को यह कह रहा है, तुम अपनी सृष्टि की रचना करो। आगे देखते हैं, सूरज के इस परामर्श को सुनकर मैं भी अपने अस्तित्व के प्रकृति के अनुरूप लोकों का निर्माण करने लगा। सूरज ने जैसे कहा कि मैं अपनी खुद की सृष्टि की रचना करूं, उस प्रकार मैंने करना शुरू किया। मैंने सूरज से प्रार्थना की कि मेरे पहले प्रयास में वह भी मेरा सहयोगी बने। जब वो पहली बार मैं सृष्टि की रचना कर रहा हूं तो कृपया वो भी सहयोग करे। मेरी नव सृष्टि में वही सूरज बना और उसने मानव जाति के सृष्टि के पूर्व पुरुष के रूप में मेरी सहायता भी की। ये कहने पर उस सूर्य ने मदद की और इस ब्रह्मा ने जिस सृष्टि का निर्माण किया उसमें भी वह सूर्य बना। वह अपनी दोनों भूमिकाओं को सफलतापूर्वक निभाने लगा। मेरी आकांक्षाओं के अनुरूप उसने लोकों की सृष्टि की। जो कुछ भी अपनी चेतना में प्रतीत हुआ उसके उत्पन्न होने की प्रतीति हुई। मेरे भीतर जो जो महसूस हो रहा था वैसे ही वहां पे उत्पन्न हो रहा है, ऐसे अनुभव हुआ। वह स्थापित हुआ और फलने फूलने लगा। मन की ऐसी ही शक्ति है जिस प्रकार अपनी मनुष्य शक्तियों के द्वारा परमात्मा पवित्र आत्मा के पुत्रों ने सृष्टिकर्ता का पद प्राप्त किया, उसी प्रकार मैं भी सृष्टिकर्ता बना। यह मन ही है जो पदार्थों को प्रतीत करता है, वही शरीर का भी प्रतीत करता है और उस शरीर से अवगत नहीं होता। तो पहला ब्रह्मा, उसने ब्रह्मांड की रचना कैसे की, उसकी यह कहानी चल रही है। सूरज ने बताया तो ब्रह्मा ने फिर सृष्टि की रचना की, उसी के उस सूरज के मदद से ही अलग अलग लोकों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने आगे कहा, चेतना में बहुत सी अंतर्निहित शक्तियां भी उसी प्रकार है जिस प्रकार मसालों में अपना अपना स्वाद होता है। मन में बहुत शक्तियां है, किस प्रकार जैसे मसालों में अपना स्वाद होता है उसी प्रकार मन में भी अलग अलग शक्तियां है। वह चेतना स्वतः सूक्ष्म या वायवीय काया ग्रहण करती हुई प्रतीत होती है और जब वह स्थूल हो जाती है भौतिक रूप धारण कर लेती है। विशिष्ट कृत चेतना की शक्ति जब अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करती है तो उसी का नामकरण जीव या वैयक्तिक आत्मा किया जाता है। यह मन की शक्ति जब एकदम सूक्ष्म हो जाती है तो इस ब्रह्मांड के सूक्ष्मतम कण को ही हम जीव कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। और जब इस जीव का सारा माया जाल समाप्त हो जाता है तब वह परम पुरुष की तरह प्रकाशित होता है। उस सूक्ष्म तत्व को जीव कहते हैं पर वह ब्रह्मांड ही है। जब वह मायाजाल, वह सूक्ष्म है, यह खत्म हो जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं आत्मज्ञान का प्रकाश हो जाता है। इस ब्रह्मांड में न मैं हूं न कोई और है, यह सब कुछ असीम आत्मा है। जिस प्रकार युवाओं में आकांक्षा प्रकट होती है उसी प्रकार असीम चेतना में सब कुछ प्रकट होता है। युवा अवस्था में अलग अलग इच्छाएं प्रकट होती है ना,
उसी प्रकार असीम चेतना में भी ये अलग अलग प्रकट होता रहता है। जिस प्रकार अपनी आकांक्षा के बल पर युवा लोग अपने को कर्ता समझ बैठते हैं, वैसे ही मैं भी अपने आप को कर्ता समझ बैठा हूं। यह सब ब्रह्मन ही है, उसके भीतर ये जो कुछ चल रहा है, मेरे भीतर एक आकांक्षा उठी और फिर लगा मैं यह कर रहा हूं, तो ब्रह्मा को भी वही लगा मैं यह कर रहा हूं, और कहीं ना कहीं उसने अपने आप को कर्ता समझ लिया। शुद्ध और असीम चेतना पहले ही अपने को जीव और मन समझती है, फिर काया। शुद्ध चेतना ही है, उसी ने अपने आप को मन समझा है, उसी ने अपने आप को जीव समझा है, और वही अपने आप को अब काया समझने लगी है, शरीर समझने लगी है। जब स्वप्न सदृश कल्पना लंबी खींचती है तो यह स्वप्न ही वास्तविकता प्रतीक होने लगता है। स्वप्न की कल्पना जब लंबी होने लगती है ना, तो फिर यह समझ में नहीं आता स्वप्न क्या है और वास्तविक क्या है, फिर हम स्वप्न को ही वास्तविकता समझने लगते हैं। यह वास्तविक भी है और इसलिए यह वास्तविक है, परंतु अंतर्निहित विसंगति के कारण अवास्तविक भी। तो वास्तविक समझने के वजह से वो वास्तविक लग रहा है, लेकिन वह वास्तविक नहीं है। कोई स्वप्न वैसे वास्तविक नहीं है, पर उसका इतना मनन करके, उसकी भावना इतनी दृढ़ करके वह स्वप्न ही वास्तविक लगने लगा है, तो एक ही समय पर वह स्वप्न वास्तविक भी है और अवास्तविक भी है। मन सचेत इसलिए है कि यह चेतना पर आधारित है। मन सचेत है क्योंकि चेतना सचेत है, उसी पर आधारित है, इसलिए चेतन है वह। जब चेतना से भिन्न दिखता है तो यह जड़ और भ्रामक लगता है। चेतना से संलग्न है तो सचेतन दिखता है, उससे जब अलग हो जाता है मन तो जड़ लगता है या भ्रामक महसूस होने लगता है। जब बोध होता है तब उस पदार्थ की भूमिका निभाता है जिसका बोध होता है, परंतु यह वास्तविकता नहीं। ठीक वैसे ही जैसे जो दिखाई पड़ता है वह कंगन है, परंतु वास्तविकता में यह सोना है। सब कुछ ब्रह्म है, यहां तक कि जो जड़ है वह भी विशुद्ध चेतना है। सच्चाई यह है कि यह द्वैत भी मन का ही उपजाया हुआ है। द्वैत भी मन का है, अद्वैत भी मन का है। यह ठीक है, हम पूरी दृढ़ता से नहीं कहते कि ऐसा ब्रह्म है भी नहीं, मात्र असीम चेतना का ही अस्तित्व है। सब कुछ वही एक असीम चेतना है। जब यह भ्रामक विभाजन जैसे वैसे प्रतीत होता है तब मिथ्या अहम उत्पन्न होता है। जब मन अपनी प्रकृति का निरीक्षण करता है तो यह विभाजन नष्ट हो जाता है। जब मन अपनी प्रकृति का निरीक्षण करता है, सजगता कहते हैं ना, जितना ज्यादा सजग हो जाओगे ना, उतना ज्यादा अनुभव में आने लगेगा कि मैं कौन हूं। तो मन मिथ्या से आगे, यह मिथ्या ये कैसे पता चलेगा, जब प्रकृति के प्रति सजग होने लगा, जब खुद के और ध्यान आने लगा, वास्तविकता समझने लगी, तो मिथ्या छूट गया। तो जितना हम मन को बेहतर ढंग से सजगता से देखते रहेंगे, अपने प्रकृति को मन से देखते रहेंगे, उतना हम सत्य के नजदीक पहुंचते जाएंगे। अगले एपिसोड में देखेंगे वशिष्ठ महामुनि और क्या कह रहे हैं। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।